13 जून शनिवार का दिन, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं, और दोपहर के लगभग 3 बज रहे हैं। तो शायद तक ये वीडियो, और मैं जैसा कि आपको दिख रहा होगा मैं घर से बाहर निकल चुका हूँ बिल्कुल अपना गेटअप तैयार करके, क्योंकि आपको अगर बाहर घूमना है तो आपको इसी गेटअप में घूमना पड़ता है, और साथ में काफ़ी कुछ, और साथ में आपका सैनिटाइज़र लेके, क्योंकि ये भी चीज़ ज़रूरत है। तो ये वीडियो शायद तक आगे नाले एक दो और वीडियो, पूरा दिन भर घूमूंगा, और ये होने वाले वीडियो जिसमें आपको मैं थोड़ा सिंगापुर के दर्शन कराएंगे, और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा अमल और पालन करते हुए कोशिश करेंगे, केवल आप रहेंगे, हम रहेंगे, और ये हमारा कैमरा रहेगा जो आपस में एक दूसरे से गपशप मारेंगे, बस यही रहेगा। मैं आपको थोड़ा सा आगे नज़ारा दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छा सा हरियाली युक्त मौसम। बस लेता हूँ मैं यहाँ से आगे बस स्टैंड, अगर आपको दिख रहा हो तो बस स्टैंड है, आगे से बस लूँगा और फिर पहला पार्ट ऑफ वीडियो यहाँ से शुरू होगा। देखता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि आपको लगभग 2-3 वीडियोस दिखा पाऊँ, सिंगापुर के दर्शन करा पाऊँ, उसके बाद रैप अप करेंगे, शायद तक आखिरी में घर एक कुछ खाने पीने को लेके आऊँगा। तो आज का दिन एक रैप अप करेंगे आपका एक फूड वीडियो के साथ। तो चलिए बस का इंतज़ार करते हैं और बस लेते हैं यहाँ से अपने पहले पड़ाव के लिए। जी मैं बस में बैठ गया हूँ, काफ़ी हद तक खाली बस, अगर आप देख रहे हो कि मेरे बगल में बस एक इंसान बैठा हुआ है, बाकी अपनी पूरी बस खाली है, यही होता है इस मौसम में। तो चलिए अपने पहले पड़ाव पे पहुँचते हैं, जो कि आपको दिखाते हैं, काफ़ी रंग बिरंगी सड़कें हैं आपकी सिंगापुर की, वहाँ पहुँचते हैं इस बस यात्रा के पड़ाव पर, और फिर वहाँ से इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा आपको आगे दिखा दूँ, एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि बस में अगर ऊपर देखें बस स्टॉपिंग करके लिखा जाता है, तो अगर कहीं पे आपको बस को रुकवाना है तो आप बटन्स होते हैं बस में, मैं कभी ये चीज़ आपको और दिखाऊंगा कि बेसिकली यहाँ पे बस किस तरह से फंक्शन करती है। अच्छा, एक मैंने इससे पहले एक साइलेंट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बस केवल बस की यात्रा कर ली थी, उसमें मैंने आपको दिखाया नहीं था, बट आपको एक शायद एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको ये दिखा पाऊँगा मैं एग्जैक्टली कि मतलब बस किस तरह से फंक्शन करती है, आपको पेमेंट कैसे करना है, छुट्टों का क्या फंडा है अगर आपके पास कार्ड नहीं है, क्योंकि मोस्ट लाइकली यहाँ पर जनता जो ट्रैवल करती है उनके पास बस के कार्ड्स होते हैं, बहुत ही कम जनता आपको दिखेगी जो कैश के थ्रू पे कर रहे होते हैं, तो उसका भी एग्जैक्टली क्या फंडा है कभी दिखाऊंगा दूसरा वीडियो, अगर आपको पसंद आएंगे इस तरह के वीडियोस, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं इन्फॉर्मेशन जो आपको कभी ज़रूरत पड़ सकती है अगर आप इन देशों में घूम रहे हो। देखिए अगर वीवो सिटी करके मॉल सामने दिखाई पड़ा होगा आपको, मैंने एक बार सोचा कि इसी एरिया से पास हो रही थी बस, तो एक बार कैमरा ऑन करके आपको इस चीज़ के दर्शन भी करा देते हैं। ये आपका है सेंट्रल पार्ट ऑफ सिंगापुर, सीबीडी एरिया कहते हैं, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एरिया, मोस्ट ऑफ दी आपके हाई राइजेस यहाँ काफ़ी हद तक दी जाएंगे आपको, कॉर्पोरेट हाउसेस और उस तरह की बिल्डिंग्स। तो मैं कह रहा था कि जी हाँ, अगर आप ऊपर देख पा रहे होंगे तो आपको कॉर्पोरेट हाउसेज और हाई राइज बिल्डिंग्स, मोस्टली आपके बड़े बड़े कंपनीज के बिल्डिंग्स ऑफिसेज यहाँ पर हैं इस पूरे एरिया में, और जिसको कहते हैं आपका सीबीडी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एरिया। ये काफ़ी कलरफुल सी बाइक दिख रही है आपको मेरे पीछे, और हम शनिवार की तफरी के अपने पहले पड़ाव पर आ गए, हमारा ये पहला वीडियो, पता नहीं मैंने आपका स्वागत किया कि नहीं किया, तो झोली के और बच्चों की भरे वीडियो में आपका स्वागत कर लेते हैं, और मैं दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली हम कहाँ पर एंटर करने वाले हैं। दो लेंस के दर्शन कराऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, एक सबसे पहले अगर सबसे पहले मैं इसके तो दर्शन करा ही देता हूँ, ये देखिए, और देखिए सबसे पहले जो एंटर कर रहे हैं हम वो आपका हाजी लेन, काफ़ी रंग बिरंगी सी सड़कें और गलियां आपकी, कुछ पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको दिखाया होगा, लेकिन इस तरह से घूमते फिरते कम दिखाया मैंने इस इलाके को, एक दो वीडियोस मेरे आए थे जहाँ पे मैंने कुछ खाया पिया था वाले वीडियोस थे, बट इसमें मैं आपको इस खूबसूरत रंग बिरंगी गलियों के दर्शन धीमे धीमे चलता हूँ। अगर आप देख रहे हो कि कई खाने पीने की दुकानें हैं दोनों साइड, रेस्टोरेंट्स कैफेज जो ऑब्वियसली इस मौसम में थोड़े से अफेक्टेड हैं चीज़ें इस मौसम में, बट हाँ यूजली काफ़ी भरा भरा, काफ़ी चहलकदमी होती यहाँ पे होती है, और काफ़ी टूरिस्टी सा इलाका है ये, काफ़ी बसड़ रहती है आपकी। फ़िलहाल ऑब्वियसली
इतनी नहीं है, बट हाँ आप मुझे आपको बस यहाँ के रंग रूप दिखाने थे मैंने इससे पहले वीडियोज़ में, ये पूरी लेन कवर करूँगा आपको, हाजी लेन कहते हैं ये देखिए एक बार, और उसके बाद इसके पैरेलल में एक और स्ट्रीट है वहाँ जाएंगे। बट फिलहाल एक काफ़ी सन्नाटा, मतलब यूजली शाम के टाइम शनिवार के दिन इस तरह से लेन ये ऐसी रहती नहीं है, काफ़ी हद इधर देखिए काफ़ी शॉप्स वैसी हैं जो कि बंद हुई पड़ी हैं, और ये देखिए काफ़ी सन्नाटा शनिवार के दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा चहल पहल रहती है। आप मतलब इंडिया में समझ लीजिए जैसे सीपी शिपी का हाल होता है, वैसी जनता वैसी भसड़ होती है यहाँ पर, बट अभी ऑब्वियसली ऐसे मौसम में कम जनता दिख रही है यहाँ पे, जनता ही नहीं दिख रही, मतलब कम क्या कह रहा हूँ, मतलब ऑब्वियसली मोस्टली इस साइड काफ़ी ज़्यादा शॉप्स क्लोज्ड हैं, कुछ कुछ भी हार्डली कुछ भी हो। ये स्ट्रीट ख़त्म करता हूँ, ये पूरी आपकी हाजी लेन कहलाती है, इसमें भी देखिए रंग देखिए काफ़ी योगा एड गोइंग ओम। ऑब्वियसली इस त्रासदी ने काफ़ी बिजनेस को इम्पैक्ट किया है, पहली बार शायद तक इसको इतना बंजर देख रहा हूँ मैं। चलिए ये स्ट्रीट ख़त्म होती है, यहाँ पे भी देखिए एक बार लिखा हुआ है हाजी लेन आपका। चलिए इसके पैरेलल में एक स्ट्रीट और है, इसके पैरेलल में एक और स्ट्रीट है वो एंटर करते हैं, और दो स्ट्रीट दिखाऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, तफरी हो जाएगी इस वीडियो में, उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे जिसमें कुछ और दर्शन कराएंगे। आज पूरा शनिवार है हमारे पास, ये सामने देखिए एक और अरब स्ट्रीट लिखा हुआ, मैं एंटर करता हूँ यहाँ से। यहाँ पर भी काफ़ी यार फिर वही दिक्कत है कि आपको यहाँ का जो असली रंग है वो इस मौसम में नहीं दिख पा रहा है, और रीज़न उसका एक ही है, काफ़ी आपकी कपड़ों की दुकानें होल सेल सिल्क, मतलब काफ़ी अरेबियन टच के कपड़े आपको पश्मीना से लेके कश्मीरी से लेके इंडियन ईरानियन काफ़ी कुछ वैसी चीज़ें मिल जाती हैं। बट फिलहाल ऑब्वियसली ऐसी चीज़ों पे ताला लगा है दुकानों पे, मौसम सुधरता है तो शायद आपको थोड़ा फिर से आएंगे, फिर से आपको वीडियो बना देंगे एक बार। बट हाँ देखिए ये पूरा इलाका है आपका, केवल मुझे डस्टबिन्स दिखाई पड़ रही है सामने, ये काफ़ी सारी वैसी शॉप्स हैं, ये कारपेट की दुकानें हो गई यहाँ पर। सारी शॉप्स क्लोज मतलब, और उसमें भी वैसे सीन है कि जो आपकी खाने पीने की दुकानें हैं उसमें भी केवल आपका यहाँ पर इस समय आप डाइन इन नहीं कर सकते हैं, केवल टेक अवे ही अलाउड है, तो इसलिए वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश ऑब्वियसली नहीं है। देखिए बॉबी फैब्रिक्स, अब लेफ्ट लूँगा मैं यहाँ पे, यहाँ पे आपको काफ़ी मिडिल ईस्टर्न कुजीन के रेस्टोरेंट दिख जाते हैं यहाँ पर आपके, ये देखिए काफ़ी रंग बिरंगे से टर्किश खाने से लेके, मतलब काफ़ी आपका मिडिल ईस्टर्न काफ़ी कह रहा था मैं, काफ़ी मिडिल ईस्टर्न फूड की शॉप्स हैं ये देखिए। इस वीडियो को आगे चल के लेफ्ट में फिर से लूँगा, और आई एम श्योर कहते हैं अगर आप सिंगापुर घूम रहे हैं तो इस एरिया में ज़रूर आएंगे। ऑब्वियसली अभी थोड़ा सा सन्नाटा है, बट हाँ अगर रौनक होती है तो काफ़ी ज़्यादा रौनक हो जाती है यहाँ पर। ये देखिए फिर से आपका चाय, मिडिल ईस्ट चाइनीज़ बोलने वाला था मैं, मतलब टर्किश रेस्टोरेंट, और काफ़ी मुझे तो टर्किश ही ज़्यादा इस साइड दिख रहा है, और सामने आपकी ये सुल्तान मॉस्क। यहाँ तो पहुँचता हूँ और फिर इस वीडियो को विराम दूंगा, ये आपका शनिवार की बकचोदी का पहला वीडियो, यहाँ पे मैं विराम दूंगा।
बट आपको ये पूरी एक अरब स्ट्रीट और आपको हाजी लेन, रंग बिरंगा जो इलाका है पूरा आपका सिंगापुर का, उसके दर्शन कराने का एंतु था मेरे। मलय फूड, ये देखिए टर्किश एंड मिडल ईस्टर्न कुजीन, लीजिए हम पहुंच गए आपका मस्जिद सुल्तान। चलिए इस नोट पे इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ, मिलता हूँ अगली बार आपको एक और नए सफरनामे पे, तब तक घूमिए आवारा। यहाँ पे भी कुछ अच्छी सी ग्रेफिटी थी, मैं आपको उस नोट पे वहाँ पे ख़त्म करता हूँ। मैं शायद तक आगे काफ़ी कलरफुल सी आर्ट बना रखी इन्होंने, वो वहाँ तक पहुँचता हूँ फिर इस वीडियो को विराम देता हूँ। काफ़ी ये देखे टंगते हुए लैम्प्स, हाँ ये मैं आपको दिखाना था, ये देखे। मैं अब इस नोट के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ, मिलता हूँ अगली बार आपको एक और नए सफरनामे पर, तब तक घूमिए आवारा।